तो आज हमको नई ट्राइब के बारे में पढ़ना है, और ये नई ट्राइब है बोक्सा। बोक्सा जनजाति, बोक्सा ट्राइब्स। इससे पहले हमने दो जनजातियां पढ़ी थी। एक तो पढ़ा हमने क्या, जौनसारी, जो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। और उसके फिर हमने एक और पढ़ा थारू। थारू उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। तो बोक्सा के बारे में भी ठीक उसी तरह से पढ़ना है जैसे हमने उन दोनों जनजातियों को पढ़ा था। तो सबसे पहले इनका क्या जीवन परिचय, इंट्रोडक्शन, जीवन परिचय। जीवन परिचय के साथ साथ ही एक तो इनका जीवन क्या देखना है, परिचय देखना है। दूसरा क्या देखना है, जाति और प्रजाति, जाति और प्रजाति। पहले एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जाति और प्रजाति के बाद इनकी वेशभूषा, ड्रेस, इनकी कैसी ड्रेसिंग है, वेशभूषा। वेशभूषा के साथ साथ ही भोजन और आवास, भोजन और आवास, फूड एंड हैबिटेट, भोजन और आवास। भोजन और आवास के साथ साथ इनका सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना, इसमें किस तरीके का समाज पाया जाता है, किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक संरचना के साथ साथ धर्म के बारे में, इनका रिलीजन, इनकी धर्म या धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चर, सांस्कृतिक सांस्कृतिक गतिविधियां या कल्चरल एक्टिविटीज। सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, किस तरीके का इनका कल्चर है। और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ ही आर्थिक, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था, आर्थिक व्यवस्था क्या है इनकी, इनका इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। और आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ ही इनकी किस तरीके का बोक्सा समाज में राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किस तरीके का है इनका राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, किस तरीके का है इनमें। और राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बात कुछ अगर आपको अन्य मिलता है उसे भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अन्य में कुछ और भी हो सकता है,
उसे आप देख सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने बाकी ट्राइब्स को पढ़ा था कि ये किस तरीके का इनका परिचय है, कहाँ से आए, क्या है और कहाँ रहते हैं उत्तराखंड में, किस तरीके का इनमें सामाजिक व्यवस्था है और किस तरीके का धार्मिक व्यवस्था है, भोजन और आवास किस तरीके का है और भोजन और आवास के साथ साथ ही इनका आर्थिक गतिविधियां क्या है, राजनीतिक गतिविधियां किस तरीके की हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है और किस धर्म को मानते हैं, यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। एक इतना डायमेंशन आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करें, इसको पढ़ना है हमें। अगर यही चीज अगर उत्तराखंड पीसीएस में मेंस में आएगी तो वहां पर पूछेगा उत्तराखंड के बोक्सा जनजाति का विस्तार से क्या करिए, अगर आपको विस्तार से वर्णन करना है तो क्या वर्णन करेंगे। तो विस्तार से वर्णन अगर जरूरी थोड़ी है कि बोक्सा समाज के बारे में ही पूछे, थारू के बारे में भी पूछ सकता है, भोटिया के बारे में पूछ सकता है, जौनसारी के बारे में पूछ सकता है। और इस तरीके की जब बाद में प्रश्न आएंगे मेंस में तो आपके पास इतने कंटेंट होने चाहिए कि भाई इन कंटेंटों को ध्यान में रखते ही आप क्या लिख सकते हैं, मेंस भी लिख सकते हैं। या फिर छोटा शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जो बोक्सा समाज है इसके सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अंतर को क्या करिए, स्पष्ट करिए, ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षा जैसे रहते हैं या एमसीक्यूज वाले रहते हैं, जितने भी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इनके अंदर फैक्चुअल फॉर्म में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। इससे ज्यादा डायमेंशन मेरी नजरों में इसका तो नहीं था, लेकिन आपको अगर लगेगा तो आप ढूंढ भी सकते हैं। तो सबसे पहले किस में आ जाएगा, इनका जीवन परिचय के बारे में। तो थारू लोग कहाँ रहते हैं, उधम सिंह नगर के, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर और यानी कि जो देहरादून वाला जो क्षेत्र है, देहरादून का विकास नगर, पौड़ी का दुगड़ा, नैनीताल का रामनगर, इन क्षेत्रों में। पहला परिचय क्या हो गया इनका, यही हो गया। तो कितनी जगह रह रहे हैं ये, बोक्सा रहते हैं देहरादून के विकास नगर में, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, देहरादून। बाकी इससे पहले मैंने आपको मैप वाले फॉर्मेट बताया है, देहरादून, जो देहरादून का कहां रहते हैं, विकास नगर में, देहरादून के विकास नगर में। आप सिक्वेंस के साथ ध्यान दीजिएगा, पौड़ी के कौन से क्षेत्र में रहते हैं, पौड़ी के दुगड़ा में, पौड़ी के दुगड्डा में, और नैनीताल का, नैनीताल के रामनगर में, ऐसे करके नैनीताल के कहां पर, रामनगर, नैनीताल के रामनगर में रहते हैं, और उधम सिंह नगर जो है इसके तीन चार क्षेत्रों में, उधम सिंह नगर का कौन सा, काशीपुर, उधम सिंह नगर के ध्यान रखिएगा, एक जगह है काशीपुर, उधम सिंह नगर के बाजपुर में, और उधम सिंह नगर के बाजपुर गदरपुर आदि क्षेत्र में, और कुछ क्षेत्र रुद्रपुर में भी ऐड कर सकते हैं इधर कुछ एरिया, लेकिन नहीं तो अधिकतर ये तीन क्षेत्र ही ध्यान रखिएगा, काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर, और नैनीताल का रामनगर, पौड़ी का कौन सा एरिया, दुगड़ा, और आपका देहरादून के विकास नगर में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं, बोक्सा जनजाति के लोग निवास करते हैं। दूसरा है इनका प्रजाति और जाति, किस तरीके का इनका रेस एंड स्पीसीज है। तो एक ये जो आपके बोक्सा लोग हैं अपने आप को राजपूत घराने से संबंधित मानते हैं, तो एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा इसी पर परिचय वाले में, अपने आप को किस घराने से मानते हैं, राजपूत घराने से संबंधित मानते हैं, पहला पॉइंट, ऐसे करके एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, अपने आप को किस घराने से संबंधित मानते हैं,
राजपूत घराने से संबंधित मानते, जो बोक्सा समाज में जो महिलाएं हैं, ये आपने आपको किस घराने से संबंधित मानते हैं? पवार वंश से संबंधित मानते हैं। कौन से वंश से संबंधित मानते हैं? पवार वंश से, ये भी ध्यान रखिएगा। और देहरादून में इनको किस नाम से जाना जाता है? मेहरा के नाम से जाना जाता है, देहरादून में मेहरा के नाम से। तीन पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, देहरादून में इनको मेहरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न तो ये है कि रहते कहाँ हैं। दूसरा, कौन से घराने से मानते हैं? राजपूत। महिलाएं आपने को पवार, और देहरादून में रहने वाले बोक्सा लोगों को क्या बोलते हैं? मेहरा के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आपको इसके बारे में जानना चाहिए, और फिर आपसे पूछ सकता है ऐसे। दूसरा, इनका प्रजाति और जाति। प्रजाति और जाति में लिखना छोटा कद, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती इनकी। कैसा कद होता है? छोटा कद, छोटा कद होता है इनका। हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, छोटा कद। मुंह कैसा होता है? चौड़ी मुखाकृति, लिख लेना, व्हाइट फेस कट। चौड़ी मुखाकृति होती है, चौड़ी मुखाकृति। फेस कट कैसा होगा? फेस चौड़ा होगा काफी ज्यादा, इनका फेस व्हाइट फेस कट होता है। इनका जो कलर होता है फेस कलर, या ये होता है सांवला, सांवला, सांवला कलर होता है। कैसा कलर? ये दो विद्वान थे, एक का नाम था कुक और एक का नाम क्या था? रिजले। लिखना चाहे ऐड कर लीजिएगा इस पॉइंट को। कुक और रिजले नामक विद्वानों ने, कौन से दो विद्वान थे, एक का नाम क्या था? ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज लग रही होगी, कुक और एक विद्वान था क्या? रिजले। कुक और रिजले दो विद्वान थे, स्कॉलर थे। इन लोगों ने बोला जो इनके शारीरिक लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो ये जिस तरीके का इनका फेस कट है, इनका जो कलर है, और जो जिस तरीके की इनकी हाइट है, ये दोनों लक्षण किस प्रजाति में देखे गए थे? इससे पहले मंगोल प्रजाति में। तो ये मंगोल प्रजाति के वंशज बताए इनको, किसने बताया? कुक और रिजले ने। ये दोनों के नाम याद रखिएगा, पूछा है या आया एक बार कि कुक और रिजले नामक विद्वानों ने किस प्रजाति के लोगों को मंगोल प्रजाति का कहा करके। दो तीन बातें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड की जनजातियां, ट्राइब्स। उस ट्राइब्स में से, जिस ट्राइब्स को हम अभी पढ़ रहे हैं, ये ट्राइब्स क्या है? बोक्सा। और बोक्सा समाज में सबसे पहले हमने इनका क्या देखा? जीवन। और जीवन परिचय में क्या देखा? ये कहाँ रहते हैं? देहरादून के विकास नगर में, नैनीताल पौड़ी गढ़वाल के दुगड़ा में, नैनीताल के रामनगर में, और उधम सिंह नगर के काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर आदि क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति को क्या बोलते हैं? बोक्सा। इन जनजाति के जो लोग हैं, अपने आप को क्या मानते हैं? राजपूत घराने के। और इनके जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं क्या कहती हैं? पवार वंश से संबंधित हैं। और जो देहरादून में रहने वाले जो बोक्सा समाज के लोग हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं? मेहरा के नाम से इनको जाना जाता है। पहली बात हमने इनका जीवन परिचय देखा, और दूसरा देखा जाति और रेस एंड स्पीसीज। इनकी जो रेस और स्पीसीज है, पहला क्या है, इनका कद कैसा है? ये टॉल नहीं होते ज्यादा, कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। और फेस कट कैसा होगा? चौड़ा मुंह आकृति होती है, श्यामला कलर होता है, श्यामला, जो इनका कलर बहुत ज्यादा गोरा नहीं होगा, श्यामला टाइप का होगा, तो श्यामला कलर इनका मिलेगा देखने को। और कुक और जो इनका जो फेस कट है, इनकी जो हाइट है और इनका जो कलर है, उस आधार पर कुक और रिले दो विद्वान थे। उन विद्वानों ने बोला इनमें ये लक्षण किस प्रजाति के दिखाई दे रहे हैं? मंगोल प्रजाति के। आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर और पौड़ी गढ़वाल में निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? कौन सी जनजाति के? इसका मतलब ये नहीं कि केवल बोक्सा रहेंगे, मल्टी कॉस्मो कल्चर हो गया आज के डेट में, हर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग वहां होंगे, लेकिन अधिक मात्रा में कौन रहेंगे?
इनके लिए पहले ही वहां रहते थे, इसलिए हमको इनके बारे में इतना जानना चाहिए। आगे बढ़े, उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वेश, इनकी ड्रेस किस तरीके की है, ड्रेसिंग किस तरीके की है। वेशभूषा का मतलब होता है पहनावा। पुरुष लोग जो है ये धोती पहनते हैं। पुरुष लोग क्या पहनते हैं? धोती। पहली बात, पुरुष लोग क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। पुरुष लोग धोती के साथ साथ ये पहनते हैं सदरी और कुर्ता। और क्या पहनते हैं? कुर्ता। धोती, सदरी और कुर्ता इनके पहनावा है। सिर पर क्या करते हैं? पगड़ी बांधते हैं। सिर पर पगड़ी, सिर पर क्या बांधते हैं? पगड़ी। पटवारी वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखिएगा, जिनको पटवारी का एग्जाम देना है, कुमाऊनी भाषा में पगड़ी को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। कि कुमाऊनी भाषा में पगड़ी को बोलते हैं ना लोग शर्म बांधते हैं ऐसे, इनकी भाषा में क्या हो गया? पगड़ी। लेकिन कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं आपको बताना है, किसमें? कमेंट बॉक्स में, ये वीडियो बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि कुमाऊनी भाषा में पगड़ी को क्या कहते हैं और गढ़वाली भाषा में क्या कहते हैं करके, तो ये आपको नीचे बताना है कमेंट बॉक्स में। पुरुष एक पहनावा और है, पुरुष जो है गांधी टोपी पहनते हैं। आजकल जो उत्तराखंड की एक कैप फेमस है ना, बस उसी को बोलते हैं गांधी टोपी। पुरुष क्या करते हैं? गांधी टोपी को भी पहनते हैं। पुरुष जो है कौन सी टोपी पहनते हैं? गांधी टोपी पहनते हैं। गांधी टोपी, जैसे आजकल देखा होगा आपने उत्तराखंड की कैप काफी फेमस चल रही है, सारे युवा लोग भी उसको क्या पहनने हैं, ये पूछेगा भी नहीं। महिलाएं लिख लेना, महिलाएं किस तरीके के पहनावे में रहते हैं। बोक्सा समाज की महिलाओं का किस तरीके का पहनावा है, इसमें दो तीन पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। इससे पहला पॉइंट ऐड करिए, गहरा काला लाल और नीले रंग की छीटका। नीले रंग की क्या पहनते हैं ये लोग? छीटका। गहरा काला लाल नीले रंग की क्या पहनते हैं? छीटका पहनते हैं। छीटका, ये छीटका जो है ना, ये जैसे आप लोग लहंगा पहनते हैं ना, लहंगा नहीं पहनते हैं, ढीला लहंगा। साथ चोली, क्या पहनते हैं? चोली। चोली के ब्रैकेट में ले लेना अंगिया। क्या अंगिया नहीं समझते हैं? फिर अंगिया, ओढ़नी। ओढ़नी समझते हैं? पिछोड़ा, ओढ़नी। उत्तराखंड का पिछोड़ा कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता है? पिछोड़ा। और माथे पर बिंदिया, माथे पर क्या? बिंदिया पहनती हैं। माथे पे क्या? बिंदिया, ऐसे। ये इस समाज की महिलाओं का क्या है? पहनावा। पता चला ये समाज किस तरीके का है? इसमें पहली बात ध्यान रखना है, पुरुष लोग क्या पहनते? धोती, सदरी, कुर्ता और सर पर क्या? पगड़ी धारण करते हैं और गांधी टोपी पहनते हैं। अब महिलाएं देखना, गहरा लाल काला और नीले रंग की क्या पहनते हैं? छीटका। छीटका को लहंगा की तरह होता है, आज के दिन में लहंगा भी बदल गया, लांचा में चले गया। और क्या पहनते हैं? चोली। चोली को क्या बोलते हैं? अंगिया। और ओढ़नी, एक तरीके का पिछोड़ा। और माथे पे बिंदिया लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनकी महिलाएं बिंदिया सभी महिलाएं लगाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा ही प्रचलन है। उसके बाद आ जाएगा किसमें? सामाजिक। अच्छा, उससे पहले अभी भोजन और क्या है? आवास में भी आ जाएगा, भोजन और आवास। और आवास में लिखना मछली, चावल। क्या खाते हैं?
मछली प्लस चावल, ये फेमस है इनका, मछली और चावल। मछली और क्या खाते हैं? चावल, इनका फेमस भोजन है। समय में शुल्फा और बीड़ी सिगरेट पीते हैं, फुर्सत के समय में क्या पीते हैं? शुल्फा, समझ गए? शुल्का नहीं, शुल्फा होता है वो, शुल्फा। शुल्फा भी ये क्या करते हैं, शुल्फा का यूज ऐसे करके होती ना एक, हाँ ऊपर से ऐसे होता है। आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी, सॉफ्टी नहीं खाते हैं, हाँ हुक्का ही बोलिए उसको, सॉफ्टी की तरह ही होता है हुक्का। ऊपर से ऐसे होता है, पीछे को डंडी जैसी होती है, अंदर से उसमें धुआं खींचने वाला उसमें सुराग होता है, और पीछे से उसमें कपड़ा, गीला कपड़ा लगा दें और फिर ऐसे करके पीते हैं, उसी को ये भी पीते हैं शुल्फा। स्थानीय नदी क्षेत्रों से पत्थर और पेड़ पौधों को इकट्ठा करके घर बनाते हैं। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना में लिखना पितृ सत्तात्मक परिवार प्रथा थी इनमें, कैसा था? पितृ सत्तात्मक पैट्रियार्की फैमिली सिस्टम, पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक परिवार व्यवस्था। और जो इनके परिवार होते थे, या पितृ सत्ता समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक। और परिवार बटा होता था चार वर्गों में, या समाज कितने बटों में होता था? चार वर्गों में। एक क्या होता था? ब्राह्मण होते थे, और दूसरे क्या होते थे इनमें? क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, और क्षत्रियों के साथ क्षत्रिय होते थे ऐसे करके, और क्षत्रियों के साथ साथ इनमें होते थे अहीर। क्या होते थे? अहीर, और अहीर के साथ साथ इनमें होते थे नाई। एक क्या होता था? अहीर, और अहीर के साथ क्या होते थे? नाई इनमें होता था, इनमें और क्या होता था? नाई। ये चार वर्गों में इनका परिवार या समाज बटे होते थे। वर्गों में बटा है, चार वर्गों में, कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर और नाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सी बात, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो आपको पकड़ना। इसमें से बोक्सा समाज की सामाजिक व्यवस्था कितने वर्गों में बटी है? तीन, चार, पांच, छह, ऐसे ऑप्शन बना देगा, कितने वर्गों में बटी है। या फिर ऐसा भी बोल सकता है, उत्तराखंड का कौन सा जनजाति समुदाय ब्राह्मण, क्षत्रिय और अहीर नाई में बटा हुआ है? कौन से लोग हैं? बोक्सा समाज के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर और नाई में क्या होते हैं? बटे हुए हैं। आगे आ जाइएगा, एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा इसमें। जाति के समान अंतर विवाही होते हैं, अंतर विवाह, इंटरकास्ट वाले, इंटरकास्ट मैरिज कैसे होते हैं? अंतर जाति विवाह, अंतर जाति विवाह नहीं होता है, अंतर जाति विवाह, ऐसे अंतर जाति विवाह होता है इनमें। इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जाति विवाह मात्र एक अनुबंध होता है, मात्र क्या होता है? एक मात्र अनुबंध होता है, अनुबंध मतलब बाउंडेशन। मात्र अनुबंध होता था, पति और पत्नी क्या कर सकते थे? कोई भी तोड़ सकता था, पति को पसंद नहीं है पत्नी छोड़ सकता था इस टाइप का, और पत्नी को पति पसंद नहीं है तो इस टाइप का, इनमें था कि मात्र था, कोई भी कभी भी तोड़ तोड़ सकता था कभी भी। इनमें जो विवाह है कैसा है? अनुलोम और अनुलोम प्रतिलोम, समझते हैं? अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रथा का प्रचलन है इसमें, अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में, इस तरीके का विवाह का प्रचलन है इसमें। अनुलोम प्रतिलोम विवाह समझते हैं कि उच्च जाति का निम्न जाति से कर सकता है, निम्न जाति का उच्च जाति, जैसे ब्राह्मण किससे, इसमें इनका समाज कितने वर्गों में बटा है, तो यही तो यहीं से समझना है इसमें। जैसे समाज, जैसे ये ब्राह्मण जो है इधर भी शादी कर सकता है, और ये क्षत्रिय, ये हो गया अनुलोम प्रतिलोम विवाह। उच्च जाति का व्यक्ति निम्न से क्या कर सकता है? कर सकता है, निम्न का जाति का
उच्च से कर सकता है, या फिर ये जो अहीर है, ये जो छत्री है किससे कर सकता है, या नाई किससे कर सकता है, छत्री से, या छत्री अहीर से, अहीर छत्री से, या छत्री यानी कि अहीर ब्राह्मण से, ब्राह्मण अहीर से, ऐसा कर सकता है ना। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मनपसंद शादी यही तो होगी, वो ये नहीं देख रिलीजन किस तरीके का है इनका, रिलीजन धार्मिक व्यवस्था इनका कैसा व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, किस तरीके का धार्मिक व्यवस्था है, पहला पॉइंट लिखना है। सब हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब अधिकतर लोग हिंदू को ही मानते हैं, अधिकतर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। काली को समझते हैं, काली माता, दुर्गा और महादेव इसकी पूजा करते हैं, फिर लिखना चाहे लिख लेना, काली दुर्गा और महादेव, काली हो गया, दुर्गा हो गया, और काली हो गया, दुर्गा हो गया, और महादेव की क्या करते हैं, पूजा, दुर्गा और महादेव। काशीपुर की चामुंडा देवी इनकी क्या है, लिखना चाहें लिख लीजिएगा, काशीपुर की चामुंडा देवी इनकी सर्वमान्य देवी है, चामुंडा देवी को कैसा मानते हैं, सबसे बड़ी देवी, आप कोई मानते होंगे ना अपने कोई देवता को, चामुंडा देवी का मन, ये चामुंडा देवी कहाँ है, काशीपुर, ये इनकी सबसे बड़ी क्या है, देवी मानी जाती है। हम लोग भी मानते ना, किसी ने किसी का अपना इष्ट होगा, इष्ट होता है ना, एक इष्ट मतलब गांव का देवता, तो गांव का देवता इनका सबसे सर्वप्रमुख कौन सा है, कई बार आया है कि कौन सी जनजाति के लोगों में या कौन सी जनजाति के लोगों की सर्वमान्य देवी चामुंडा देवी है, कौन सी है, बोक्सा देवी, यानी कि समाज में। आगे बढ़े, आगे आ जाएगा के बाद है सांस्कृतिक में आ जाएगा, फिर सांस्कृतिक गतिविधियां, इनमें भी संस्कृति होगी ना, होली दिवाली बड़े अच्छे से मनाते हैं, लिखना संस्कृति क्या है इनकी, आपके सिलेबस में भी लिखा है ना संस्कृति, इनकी सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चरल एक्टिविटी, ये कॉमन है। होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, होली विदेशों में भी मनाई जाती है, होली, दीपावली और दशहरा, दशहरा, होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, इनके क्या हैं, जन्माष्टमी, होली, दशहरा, दिवाली, जन्माष्टमी, होंगण, ये आएगा एग्जाम में, ध्यान रखेगा, होंगण, ढलिया और मैरो, इनके व्यक्तिगत त्योहार हैं, कैसे त्योहार हैं इनके, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। आगे क्या है, आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अगर हम इनके आर्थिक गतिविधियों की बात करें, आर्थिक गति विधियां, पहला लिखना कृषि और पशु गतिविधियां, गतिविधियों की अगर हम बात करें आर्थिक गतिविधियों में, यहाँ पर चार पांच बातें आपको याद होनी चाहिए, एक तो कोई भी चाहे समाज, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका कृषि क्या होगा, कृषि तो होगा ही होगा, कृषि और क्या, पशु पालन, पशु पालन भी है, ये एनिमल रियरिंग, पशु पालन, और एनिमल रियरिंग के साथ साथ ही क्या करेंगे, लकड़ी की दस्तकारी पर काम करते हैं, कारपेंट्री का काम भी करते हैं, दस्तकारी क्या करते हैं, दस्तकारी, कारपेंट्री जिसे बोलते हैं, डलिया, डलिया, डलिया नहीं, डलिया, डलिया नहीं समझते हैं, जिसमें पहाड़ में क्या ले जाते हैं, ऐसे ऐसे ले जाते हैं, शर्म रख करके घास वास लेके चलते हैं ना ऐसे, तो वो बनाने का काम भी यही करते हैं। लेकिन आप छोड़िए, आप हमारा कल्चर भी धीरे धीरे सब चेंज होते जा रहा है, अब डलिया कहाँ लोग उठा के ले जाते हैं, पहले एक, अभी ध्यान रखिएगा, एक फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, कौन सा क्वेश्चन बताना है, पहले जब छोटा छोटा बच्चा जन्म लेता था ना, जब बच्चा जन्म लेता, जिस दिन उसका नामकरण होता था, उसकी जो नानी होती थी,
उसी तरीके की डलिया लाती थी जो ऊपर से कम मतलब ओपन होता था, नीचे को ऐसे करके ऊपर से ऐसे होता था। हाँ तो उसको आपको बताना है क्या कहते हैं, ऐसे सर में रख के लाती है ना उसकी नानी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे अभी पटवारी में देखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए पिछली बार की तरह। क्या चीज? बांस होता है हाँ, उसकी लकड़ी की बना सकते हैं, उसी की तरह एक रिंगाल होता है उसका भी बना सकते हैं। रिंगाल रिंगाल तो उनकी लकड़ियों से क्या हो सकता है, बनाते हैं इनको। आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या हुआ ना, इनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, लेकिन कुछ समय से इनकी भी आर्थिक गतिविधियां चेंज हो गई हैं। क्यों चेंज हो गई? समाज बदलते गया और जरूरतें बदलते गई। आज के इनके समाज में लोग इन कामों में ध्यान कम दे करके सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ज्यादा इंटरेस्टेड, इनका यानी वो था इनका व्यवसाय। उसके बाद किसमें आ जाएगा, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। किस तरीके का इनमें प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार ही होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई आया था कल, फिर ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। इनकी सबसे छोटी इकाई क्या है किसी भी समाज में? परिवार। इनमें तो पंचायती राज व्यवस्था का क्या है प्रचलन है? कैसी व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है इनमें। कैसा सिस्टम है? पंचायती राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था होगी तो इसमें क्या होगा, पंचायत का या क्या होगा, एक मुखिया होगा ना, ये क्या होगा, पंचायत का प्रधान। जो प्रधान होता था उसी को क्या बोलते हैं, या मुखिया को क्या बोलेंगे, तख्त। क्या बोलते थे? ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों कुछ समय पहले, पंचायत के प्रधान को क्या बोलते हैं, तख्त। ऐसे ना, इनमें कुछ लोग और होते थे, तख्त के अधीन में कौन होते थे, कुछ अलग और लोग होते थे। इनमें एक तो होता था मुंसिफ। क्या होता था? मुंसिफ। एक क्या होता था? मुंसिफ। और मुंसिफ के साथ एक कौन होता था, दारोगा या दरोगा, और एक कौन होता था, सिपाही। ये अन्य होते थे। अब ये क्या काम करेंगे, इसका हाथ, सिपाही। ये तीन लोग अन्य होते थे, मुंसिफ दरोगा और मुंसिफ दरोगा और सिपाही। ये अगर इनमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तख्त है, ये सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ तख्त का। और उससे बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण पद कौन होगा, फिर दरोगा, फिर मुंसिफ, फिर सिपाही। इस तरीके की इनमें व्यवस्था होती थी। समझ में आया? तो आपसे पूछेगा कि कौन सी जनजाति के लोगों के सामाजिक व्यवस्था या सॉरी प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था में मुखिया को तख्त बोलते थे। प्रधान नहीं आएगा, प्रधान तो मैंने आपके समझने के लिए बता दिया। तो इनका जो प्रधान का काम करने वाला होता था उसे क्या बोलते थे, तख्त। और उसके अंदर में तीन लोग होते थे, एक होता था दारोगा, एक मुंसिफ और एक ये, इसका हाथ बढ़ाते थे। मैं समझा पाया? तो ये था आपका कौन सा, बोक्सा यानी कि जनजाति उत्तराखंड की। और बोक्सा जनजाति के बारे में जितना मेरी जानकारी थी मुझे तो मैंने बताया, आप कोशिश करिए और इसमें जानने की कोशिश करिए, इंटरेस्ट रखिए इसमें और समझने की कोशिश करिए।